नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वेलकम थ्री की। वेलकम थ्री एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इसकी हलचल तेज हो गई है और इसमें दोस्तों काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिले है। सबसे बड़ा चेंजिंग तो ये है कि दोस्तों इसमें अनिल कपूर और नाना पाटेकर नजर नहीं आएंगे और दोस्तों इसकी जगह आपको इस फिल्म में संजय दत्त तथा अरशद वारसी नजर आने वाले है। लेकिन अब जो एक बड़ी इसमें और डेवलपमेंट हुआ है वो दोस्तों ये है कि बॉबी देओल भी इस फिल्म में नजर आने वाले है। बॉबी देओल की भी इस फिल्म में एंट्री हो गई है तो एक काफी जबरदस्त फिल्म होने वाली है। अक्षय कुमार पहले से ही फिल्म में हंसी मजाक से भरपूर फिल्म है। वेलकम के जो पहले दोनों पार्ट थे वो सभी को काफी ज्यादा पसंद आए थे तो इस पार्ट की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें है, अरशद वारसी ने खुद बताया। और दोस्तों बता दूं आपको कि ये इस फिल्म की शूटिंग स्क्रिप्ट पर फिलहाल काम चल रहा है और इसी वर्ष इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। तो अब इसकी स्टारकास्ट देखिए आप, कितनी बड़ी स्टारकास्ट, संजय दत्त है, इसके अलावा बॉबी देओल है, अक्षय कुमार है, अरशद वारसी है और भी कई इंटरेस्टिंग नाम इस फिल्म के साथ आने वाले हैं। तो काफी जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है और जिस प्रकार से इसकी तैयारी की जा रही है तो एक आपको जो वेलकम का जो पहले के जो पार्ट याद है तो आपको याद ही होगा कि कितने जबरदस्त इसमें है कॉमेडी के दृश्य थे। हालांकि नाना पाटेकर की कमी जरूर इसमें खलेगी, अनिल कपूर की भी कमी खलेगी, दोनों में बहुत ही जबरदस्त शानदार एक्टर है, लेकिन पता नहीं क्यों वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। मैं तो चाहता था कि वे भी इस फिल्म का हिस्सा हो। खैर दोस्तों, बॉबी देओल की एंट्री होना भी ये काफी अच्छी बात है, बॉबी देओल के भी काफी जबरदस्त प्रशंसक और उनकी भी एक्टिंग काफी दमदार रहती है। तो देखते हैं किस प्रकार की ये फिल्म बनती है, जिससे इस फिल्म के बारे में और अपडेट्स आते हैं लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोले नाथ।